अनूपपुर जिले के जयथरी शासकीय महाविद्यालय में हमारे जनप्रतिनिधि के साथ अभद्र व्यवहार होने का मामला सामने आया है। बता दें, जब एमकेएन न्यूज के जनप्रतिनिधि ओमकार सिंह पड़ताल के संबंध में जयथरी शासकीय महाविद्यालय पहुंचे तो उन्हें देखकर महाविद्यालय में पदस्थ आउटसोर्स कर्मचारी अशोक राठौर आग बबूला होकर बिना किसी कारण के अभद्र व्यवहार पर उतर आए। इतना ही नहीं, कर्मचारी अशोक राठौर ने पत्रकार ओमकार सिंह को अपने राजनैतिक संरक्षण की धौंस भी दिखाई। वहीं जब इस विषय में जयथरी महाविद्यालय के प्राचार्य से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि सोमवार को बैठक में इस मामले को हल करवाने की कोशिश करूंगा। जब दोबारा इस मामले में प्राचार्य डॉक्टर रमेश कुमार वाटे से संपर्क किया गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली, ना ही कोई जवाब दिया ना ही मुलाकात की। देखिए रिपोर्ट। एमकेएन न्यूज चैनल से। यहाँ पर एक कॉलेज देख रहे, जयथरी कॉलेज है, विवादों के साए में हमेशा घिरा रहता है। यहाँ के कर्मचारी धुत नशे में रहते हैं, पता नहीं किस नशे में रहते हैं कि पत्रकारों तक को गाली देने में कोई गुरेज नहीं करते। यहाँ तक कि इस विद्यालय महाविद्यालय कहें, कॉलेज कहें, शिक्षा का मंदिर कहें, जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जिनकी शिकायत कलेक्टर तक हो चुकी है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। यहाँ जब पत्रकार आते हैं तो सिर्फ पत्रकारों को गाली देने के लिए ही कॉलेज में स्टाफ रखा गया है। एक ऐसा कर्मचारी जो संरक्षण में है प्रचार से, जब हम बात करने की, संपर्क बनाने की कई दिनों तक कोशिश करते रहे, पर प्रचार महोदय बिल्कुल भी जवाब देने से कतरा रहे हैं। इसका साफ साफ यही है कि प्रचार के द्वारा ही एक गालीबाज कंप्यूटर ऑपरेटर को अपने कॉलेज में पदस्थ किया गया है, जिसको प्रचार महोदय संरक्षण कर रहे हैं। और भी हम इस कॉलेज के बारे में अपडेट बताएंगे, बने रहिए एमकेएन न्यूज के साथ। हम लोग को जानकारी मिली थी कि कॉलेज में शराब पी के आते हैं। जब हम लोग वहाँ जा रहे थे तो वहाँ अशोक राठौर से मुलाकात होती है। अशोक राठौर ओमकार को देखते ही आग बबूला हो जाता है और भद्दी भद्दी गाली देने लगता है। बोलता है, तुम्हारे जैसे पत्रकार डेली घूमते ही रहते हैं, और भद्दी भद्दी गाली के साथ बोलता है, तुमसे जो बन पड़े वो तुम कर लो। वहीं कर्मचारी अशोक राठौर द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार से आहत होकर हमारे जनप्रतिनिधि ओमकार सिंह ने जब थाने में कार्रवाई के लिए आवेदन दिया तो आवेदन के अनुसार कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं होने से निराश होकर पत्रकार ओमकार सिंह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को इस विषय के संबंध में उचित कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इस मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जनप्रतिनिधि ने बताया है कि अशोक राठौर ने उनसे खुद इस पूरे मामले में उनके द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार को लेकर माफी भी मांगी है। इस पूरे मामले में हमारे साथ अनूपपुर संवाददाता ओमकार सिंह जुड़ गए हैं, आइए बातचीत करते हैं उनसे। ओमकार, हमारे दर्शकों को बताइए, शासकीय महाविद्यालय में जब आप वहां बोर्ड परीक्षा का कवरेज करने के लिए पहुंचे तो क्या कुछ हुआ वहां पर आपके साथ? देखिए शालिनी जी, जब हम वहां पर पहुंचने वाले थे, इतने में ही देखते एक कंप्यूटर ऑपरेटर मिले, अशोक राठौर। वो देखते ही आग बबूला हो गए और अनाप शनाप अनर्गल बातें करने लगे, अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे और पत्रकारों को गाली देने की भी कोशिश की उन्होंने। ओमकार, क्या कहेंगे जब स्कूल में ऐसे कर्मचारी ही नशे में रहकर वहां ड्यूटी करते हैं तो ऐसे में छात्रों पर वहां क्या असर पड़ता होगा? वहां के जो छात्र हैं वो क्या शिक्षा ग्रहण कर पाते होंगे? क्या और शिक्षा के मंदिर से ऐसा कतई नहीं होना चाहिए कि शराब पी कर जाए, लेकिन और भी ऐसे जिले में ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर प्रोफेसर और कर्मचारी शराब पी कर घूमते हैं। इससे बच्चों पे बहुत प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। बच्चों के मन में संदेश जाता है कि जब बड़े ही शराब का सेवन कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं सेवन करें। ओमकार, महाविद्यालय के प्रबंधन का इस पर क्या कहना था? जब आप उनके सामने ये शिकायत लेके गए तो जो प्रबंधन थे, जो प्राचार्य थे, उनका इस पर क्या प्रतिक्रिया था? प्रचार महोदय तो गुमराह करने लगे। उन्होंने हमको कहा सोमवार को आइए, सोमवार को नहीं मिले, काम हो गए, हम इंतजार करते रहे, मंगलवार हो गया, उसके बाद भी उन्होंने कोई भी कार्यवाही नहीं की, बल्कि सपोर्ट करने के मूड पे दिखे, चुप्पी साध ली उन्होंने। अब हम परेशान होके प्रबंधन
कि साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि प्रबंधन उसके बचाव पक्ष में था, क्योंकि प्रबंधन भी शायद उन गतिविधियों में संलिप्त था, इसलिए उस कर्मचारी को बचाने के मूड में था, इस कारण वो प्रचार जो है प्रबंधन सामने नहीं आ रहे थे। जी, जैसा कि हमारे पास जानकारी है कि आप थाने में भी शिकायत करने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर सुनवाई नहीं हुई। फिर वहीं एमपी के सीएम मोहन यादव जब अनूपपुर दौरे पर पहुंचे तो आप सीएम के संज्ञान में ये मामला लेकर आए, और सीएम का क्या कहना रहा इसमें, आप हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए। सीएम ने कह दिया कि हम मामला संज्ञान में आ गया है, गंभीर है, इस पे कार्रवाई की जाएगी। जी जी, आपने ये भी बताया कि जो कर्मचारी था उसने आपसे माफी मांगी, तो उन्होंने क्या कहा आपसे, हमें बताइए। उन्होंने ये कहा, माफी मांग ली, उन्हें कई लोगों ने दबाव डाला कि आप माफी क्षमा मांग लीजिए। वो आए सूर्या होटल में एक प्रोफेसर के साथ, नीरज मिश्रा जी के साथ में, और आके माफी मांगा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती से ये शब्द बोले। उस पर यह भी बोला कि आप क्या इस प्रकार से गलत शब्द का प्रयोग करेंगे बोलेंगे। उन्होंने ये कहा अशोक राठौर ने, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसके लिए मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ आपसे, भविष्य में मुझे इस प्रकार से कोई भी मतलब, मैं इस प्रकार से आप इस साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार नहीं करूंगा, प्लीज हाथ जोड़ता हूँ, माफ कर दीजिए। जी ओमकार, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद, और इस पर प्रकाश डालने के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अनूपपुर संवाददाता, जिन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी दी। हालांकि सीएम ने मामले को लेकर आश्वस्त किया है, तो अब देखना होगा कि इस मामले में प्रशासन क्या और कब तक कार्रवाई करता है।